चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं यार हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, है ना। तो आज मैं करवाने वाला हूँ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर 11 है। पुराने सिलेबस को देखोगे तो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। यार ये चैप्टर पहले कराने का रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि ये वाला चैप्टर पहले कराओ, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा है, हमें दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आज सारी दिक्कतें खत्म कर देंगे एक बारी में, है ना। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ कि जो वन शॉट वीडियोस होती है ना यार, वो सिर्फ रिवीजन के लिए होती है, ठीक है। तो प्लीज़ इसमें हम डिटेल नहीं बता सकते, ठीक है। तो डिटेल नहीं बता पाएंगे तो ऑब्वियसली बात, तुम्हें फोकस चीज किस चीज़ पे करना है कि तुम रिवीजन मोड में इसको पढ़ो, है ना, ठीक है। तो बस इस तरीके से देख सकते हो कि तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया है, तो तुम क्विकली देख लो कि हाँ हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है। या फिर तुम थोड़ा अगर वैसे देखना चाहते हो कि एवरेज मार्क्स स्कोर कर रहे हो, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ उसके लिए फिर बहुत परफेक्ट वीडियोज है, ठीक है। तो देखते हैं कितने आर्ट्स की हो पाती है या फिर कितनी देर में ख़त्म होता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है भाई? तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू डू वेरियस एक्टिविटीज। एक ऐसी एनर्जी जो हमें बहुत सारे काम करने को एबल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्मार्ट बोर्ड चल रहा है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी पर कैमरा चल रहा है, चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी, हर लाइट जल रही है इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बनती कैसे, ठीक है। तो ये बनती कैसे, यानी ये पहले चैप्टर हमारे पास था लेकिन डिलीट हो गया सिलेबस, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम उस पर ध्यान नहीं देने वाले अभी। लेकिन बेसिकली तुमने पढ़ा होगा कि बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हाइड्रो प्लांट्स हैं, है ना, या फिर हम क्या नाम है, पानी के थ्रू बना रहे हैं, या फिर हम जियो थर्मल एनर्जीज के थ्रू बना रहे हैं, टाइडल एनर्जीज के थ्रू बना रहे हैं, बायोगैस के थ्रू बना रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हमें अभी इलेक्ट्रिसिटी पे कोर फोकस करना है, ठीक। फिर क्वेश्चन आता है कि यार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। तो इसके लिए सबसे पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। यार अगर किसी को जाना है कहीं पे, एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको एक रास्ता चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता है, एक क्लोज और कंटिन्यूस रास्ता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, क्लियर। रास्ते का मतलब तो समझो ज़्यादा ध्यान से। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं हम, बेसिक डायग्राम। अब देखो हम इतने अच्छे ड्राइंग तो बना नहीं सकते, इसलिए हम सर्किट डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सर्किट है, सर्किट का मतलब क्या होता है? एक क्लोज्ड और कंटिन्यूस रास्ता, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा रास्ता जो क्लोज्ड हो और कंटिन्यूस हो, मतलब कि मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ये सर्किट कहीं से ब्रेक्ड है तो ये करंट फ्लो करेगा क्या इसमें से? नहीं फ्लो करेगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए सर्किट क्या होना चाहिए? पूरा परफेक्ट, पूरी तरह से होना चाहिए, पूरा मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है, तभी इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, एक ऐसा रास्ता जिसमें से करंट फ्लो करता है, ठीक है। करंट क्या है? अब अगला क्वेश्चन आता है कि करंट क्या है, ठीक है। तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट। देखो यार पहली चीज ना तुम्हें यह समझनी पड़ेगी कि करंट बनता कैसे, ठीक। करंट बनता है फ्लो ऑफ चार्ज से। तो एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज चार्ज, ठीक है। तो अभी लेक करंट से ऊपर पहले आ गया चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज एक मैटर है, ठीक। चार्ज की डेफिनेशन हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ। चार्ज एक मैटर है जिसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता लगा कि इसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? तो तुम ये समझ सकते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल इधर से मैं एक चीज को पॉजिटिव चार्ज दे रहा हूँ, इधर से मैं एक नेगेटिव चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या चीज पकड़ेगा सबसे पहले, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यार, है ना। चलो ठीक है यहाँ तक। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, पक्का क्लियर है, ठीक। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है ना यार, इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक। समझो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट को जलने दो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चलो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मान लो ऐसे मैं एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ता हूँ तो किसकी तरफ जाएगा? इधर ही जाएगा या इधर जाएगा? तो इधर जाएगा। तो यही है, मतलब एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन चार्ज जो उसके ऊपर फोकस कर रहा है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो चार्ज दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो उसी से पता लगेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इतना क्लियर है। अब समझो जरा ध्यान से, ठीक है। तो चार्ज जब फ्लो करता है तब करंट बनता है। अब असलियत में पता है क्या हुआ? असलियत में हमें चार्ज के बारे में ना पहले पता लग गया था और तब जाके करंट का कॉन्सेप्ट आया। मतलब क्या कहने का, तो सुनो। देखो करंट कैसे बनता है? करंट तब बनता है जब चार्ज फ्लो करता है। कौन सा चार्ज, कौन सा चार्ज?
ये हमें बाद में समझ में आया। तो पहले हम इलेक्ट्रिसिटी का पता, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी का पता लगा चुके थे, फिर हमें पता लगा कि चार्ज कैसे बनता है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, फ्लो कैसे करती है। तो हमें पता लगा कि यार जो करंट है ना वो चार्ज के फ्लो की वजह से बनता है। कौन सा चार्ज? दो तरीके के चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो मैंने बैटरी बना रही है, बैटरी का सामने में अगर मैं एक बार बनाता हूँ तो सिंगल बना रहा हूँ मैं, तो सेल है ये, और अगर आप दो या दो से ज्यादा बार रिपीट कर दोगे तो बैटरी बन जाएगी। ठीक, बस याद रखना ये बड़ा वाला एंड पॉजिटिव होता है, छोटा वाला एंड नेगेटिव होता है, अभी आगे जाके आएगा ये वैसे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड है और ये छोटा वाला नेगेटिव एंड है। असलियत में करंट कैसे बनता है? तो हमेशा जो करंट है ना उसमें जो चार्ज है, दैट इज नेगेटिव चार्ज, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव वाले को कहते हैं प्रोटॉन। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऑब्वियसली और नेगेटिव से फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, तब जाकर करंट बनना चालू होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तब जाके करंट बनता है। तो कहने का मतलब क्या है भाई? कहने का मतलब ये है कि करंट जो है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाता है, लेकिन वो बनता किस वजह से? चार्ज की वजह से, जो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है तो करंट किधर बनेगा? इधर की तरफ बनेगा, समझ आया? तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर की तरफ बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और उससे बनता है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रहा करंट का कॉन्सेप्ट, अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है एक चार्ज जब फ्लो करता है तब वो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। ठीक, एक सर्किट में से जब एक चार्ज फ्लो करेगा तब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। कितना समझ में आ गया? पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जो बनता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, लेकिन वो बना किस वजह से है? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो बोल देगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आप पकड़ लोगे, जबकि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन पकड़नी है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चाहिए, है ना? ये इस बात का ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं लेकिन करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। क्लियर? अब खुद सोचो यार, अब हमें फॉर्मूला बनाना है। तो जो करंट है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है चार्ज पर, क्योंकि अगर चार्ज ही नहीं जाएगा तो करंट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो चार्ज को फ्लो कराना जरूरी है। तो जब चार्ज मूव करेगा तब जाके करंट बनेगा। तो जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना ज्यादा करंट बनेगा। तो ये मेजर कैसे करेंगे कितना चार्ज गया? टाइम से। कि अगर एक सर्किट के अंदर पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो करा उसी से बनेगा करंट। तो ये रहा पहला फॉर्मूला चैप्टर का। क्लियर है बात? मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट है जिसमें हमने 5 सेकंड के लिए देखा, एक सर्किट के अंदर 200 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, 5 सेकंड के अंदर, और दूसरे सर्किट के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं? सेम टाइम में, इसमें, तो इसमें ज्यादा करंट बनेगा। सेम लॉजिक है यहाँ पर। करंट को डिनोट करने का हम यूज करते हैं आई, अल्फाबेट, इतना बड़ा थोड़ी लिखेंगे। चार्ज को डिनोट करने के लिए क्यू, और टाइम को डिनोट करने के लिए टी। तो फॉर्मूला था करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम, जो शॉर्ट में बन गया आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। इतना क्लियर है? समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, सुनो, अब बात करते हैं ऐसे यूनिट्स की। ठीक है, तो चार्ज जो होता है उसका ऐसा यूनिट है कूलम, एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। ठीक, टाइम कैसा यूनिट तो सबको पता है, डेट इज सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? इसकी ऐसा यूनिट हो गई कूलम पर सेकंड। देखिए, इतनी बड़ी याद करने से बढ़िया हम एक यूनिट याद करते हैं, डेट इज कॉल्ड एम्पेयर। क्या है इसकी ऐसा यूनिट? एम्पेयर। क्लियर? एक चीज और, एम्पेयर को शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल ए, कूलम को लिखते हैं सी, और सेकंड को एस लिखो या फिर सेकंड पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये था पहला फॉर्मूला यार, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। मैं एंड में जाके सारे फॉर्मूले एक साथ लिस्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो, वो सब हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। तो यार ये तो समझ में आ गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब जाके चार्ज बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब भैया इलेक्ट्रॉन भी तो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। ये तो हमने 9th में भी पढ़ा था, जितना नेगेटिव उसके पास होता है उतना पॉजिटिव प्रोटॉन के पास होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, कितना चार्ज है उसके पास? ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा यार, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो वो है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, चार्ज कैसे यूनिट कूलम। तो तुम्हें ये याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक पर्टिकुलर चार्ज बनाएंगे। मान लो एक कूलम पूछ लिया उसने, तो एक कूलम चार्ज कब बनाएगा? तो ये भी फॉर्मूला भी बता दिया, ये फॉर्मूला भी है। तो एक कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन और लाऊं कि एक कूलम बन जाए? इसका मतलब क्या है? ये बहुत कम यूनिट है, समझ रहे हो? क्योंकि -19 पावर है, -19 होता है, समझ रहे हो? 1.6 के नीचे 1 के पीछे 19 बार 0, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे तब जाकर
ये एक कूलम बना पाएगा। कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल सा तरीका है, n की वैल्यू आपको निकालनी है। एक कूलम का चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ इज इक्वल टू, मैं 1 कूलम कर दो, ठीक है, मैं यहाँ से अलग से सेपरेट कर देता हूँ उसको, ठीक, समझ में आ गया। तो ये n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 कूलम अपॉन में 1.6 × 10⁻¹⁹ जिसकी रफ वैल्यू 6 × 10⁻¹⁸ आती है, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन 10⁻¹⁸ इतना पैसा आ जाए तो सब खरीद लेंगे हम, है ना। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक कूलम चार्ज बना पाते हैं, समझ में आया। तो इतना ज़्यादा करंट बन रहा है तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे, सोचो, ऑब्वियस ही बात, क्लियर। तो अब तक तुम्हारे पास दो, अब यहाँ पे एक कूलम की जगह पे मान लो 2 कूलम दे दे, मेरे बुक में है ना, मेरे बुक में क्या क्वेश्चन है, 2 कूलम है, टेस्ट में आता 2 कूलम दिया। तो यहाँ पे जितना मर्जी कूलम रख दे लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट पहला फॉर्मूला चलो ये हो गया, एक फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू में चार्ज, ये रहा फॉर्मूला, जितना भी चार्ज बोलेगा यहाँ पे लिख दो, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है चार्ज तुम्हें पता ही है, क्लियर। आगे सुनो अगला पॉइंट, अब एक बात बताओ, ठीक है, अब मैं दोबारा सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, सर्किट बहुत बार बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये सर्किट है, ये बल्ब है, ये रही बैटरी, क्लियर, दिमाग लगाना। अब मैंने ये बोला यार कि ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, यहां से करंट बनता है ना, यहां से करंट बनता है, समझ में आ गया। लेकिन यह करंट तब बनता है जब चार्ज फ्लो करता है, चार्ज को धक्का लगेगा तब जाके करंट बनेगा, यही मुद्दा है। तो कैसे, कौन लगाएगा धक्का, इसका मतलब ये कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी तो करंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव ही नहीं करेगा तो करंट कैसे बनेगा भाई, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना है, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने के लिए हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर है बात, क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। तो सुनो, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब तो ये हो गया कि कितना धक्का लगेगा। तो जो ये धक्का कौन लगाता है, बैटरी, यही काम है बैटरी का। असल में बैटरी भी थी हमारे कॉन्सेप्ट में बहुत पहले, सिलेबस में डिलीट नहीं हुई है, थी मतलब बहुत पहले, ठीक है। तो बैटरी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है, तो बैटरी के अंदर चलता है यार एक मैकेनिज्म, उसके अंदर हम डालते हैं अलग तरीके के केमिकल। अगर तुम देखोगे तो उसके अंदर पेस्ट डाला हुआ होता है, फिर इलेक्ट्रोड होती है, रॉड, ग्रेफाइट, है ना, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के क्या नाम है, पेस्ट डाला जाता है। तो वो करता क्या है, तो वो करता है कि मान लो फॉर एग्जांपल ये बैटरी है, ठीक है, तो इसके दो एंड होते हैं यार, एक होता है पॉजिटिव एंड, एक होता है नेगेटिव एंड, क्लियर। तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लग रहा होगा, है ना। तो बैटरी क्या करती है, दोनों तरफ से धक्का लगाती है, क्लियर, धक्का इधर से भी लगेगा, धक्का इधर से भी लगेगा। और अगर ऐसा होगा तो दिक्कत है एक और, कि यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगेगा और यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स, वो तो कहीं बीच में आके मिल जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये साइन बल्ब का है, हाँ, तो बाद में कन्फ्यूज मत होना, बार बार क्यों बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो यहाँ पे आके बीच में मिल जाएंगे, फिर तो दिक्कत है। इसीलिए बैटरी क्या करती है, एक और काम करती है, वो एक एंड को हायर पोटेंशियल पे रखती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेल ले लेता हूँ, ठीक है, इस सेल के अंदर अगर तुम समझोगे, सॉरी एक पाइप ले लेते हैं, ठीक है, इस पाइप को अगर तुम देखोगे तो इस पाइप के अंदर मान लो पानी भर दो, एकदम स्ट्रेट पकड़ो, कहीं नहीं गिरेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे कर दूंगा तो सारा पानी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल पे आ गया। तो बैटरी भी यही करती है, बैटरी एक एंड को हायर पोटेंशियल पे रखती है, एक एंड को लोअर पोटेंशियल पे रखती है, और सारा इलेक्ट्रॉन सारा चार्ज फ्लो करा देती है, ठीक। तो यही होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से बीच में ना मिलकर वो एक एंड पे जाके मिलते हैं, ठीक। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से धक्का लगता है उनको, तब जाके यहाँ से बनता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पड़ रहे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो लग रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पड़ेंगे। इसलिए टॉपिक को भी समझो कि टॉपिक क्या चल रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। अब कितना पोटेंशियल है हमें ये पता करना है, कितना पोटेंशियल है हमें ये पता करना है, ठीक। तो यार किसी भी चीज को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ता है, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तुम्हें मुझे यहाँ से हटाना है, तो तुम मेरे ऊपर एनर्जी लगानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ से किसको मूव कराना है, चार्ज को। तो यही फॉर्मूला है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चार्ज को मूव कराने के लिए इज नोन एज पोटेंशियल, ठीक है। और एग्जैक्ट बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना चार्ज, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है किसी चार्ज को मूव कराने के लिए, उतना ही हो जाएगा क्या, क्या नाम है, पोटेंशियल, क्लियर है बात, बहुत इजी है। कितना धक्का लगाना पड़ रहा है, ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है किसी चार्ज को मूव कराने के लिए, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। फॉर्मूला को शॉर्ट करते हैं, वर्क डन का तरीका W, चार्ज के लिए भी पढ़ा था Q,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लिखते हैं हम V, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू W बाय Q, क्लियर। आगे सुनो, ऐसे यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। वर्क डन के ऐसे यूनिट तो सबको पता है भाई, जूल शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल J, ठीक है। साइंटिस्टों के नाम होते हैं इसलिए कैपिटल्स में लिखे जाते हैं, ठीक। चार्ज कूलम, अभी बताया इसकी पोटेंशियल, इसके ऐसे यूनिट क्या जूल पर कूलम, लेकिन इसका शॉर्ट बना के डाइटिस हमने वोल्ट, ठीक है। तो स्मॉल V से भी नोट कर सकते हो आप इसे, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। कई बार एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये जो बीच बीच में आ रहा है वो क्वेश्चन बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन वन जूल ऑफ वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। तो यार जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, जब जिसमें किसी एक को वन कर दिया हो, जैसे वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, वन एम्पेयर ऑफ करंट, ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक चीज और छोड़ दी, मैं अभी उस पर आता हूँ वापस, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना यार कि पूरे फॉर्मूले को वन बना दो, ठीक है। उसने पूछा था वन वोल्ट, है ना। तो वन वोल्ट तो तब होगा ना जब एक जूल होगा वर्क डन और एक कूलम होगा चार्ज। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, तभी तो हो सकता है। तो बस इसको डिफाइन कर दो, व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज अप्लाइड टू मूव वन कूलम ऑफ चार्ज, देन इट इज सेड टू हैव वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कितना आसान है, है कि नहीं। वैसे वहां पे कर दो करंट को, अगर डिफाइन करना है, ठीक है। तो नॉर्मल डेफिनेशन क्या, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, इतना क्लियर है। दूसरी तरफ अगर तुम समझोगे तो वो रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर वन वन कर दिया जाए तो चार्ज अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तो वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोस फॉर वन सेकंड, देन इट कॉन्स्टिट्यूट्स वन एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दी थी, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, वो है, चलो एक साथ बताते हैं। यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम सीधा वहां पर आ जाएंगे, ठीक। देखो यार, ये जो एम्पेयर है ना, ये एक ऐसा यूनिट है, ठीक। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा घर बहुत दूर है, तो तुम बोलोगे कि भैया मेरा घर तो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर है ना। लेकिन मान लो आपका घर बहुत पास में है, 200 मीटर की दूरी पर, तो तुम ये बोलोगे 0.2 किलोमीटर, नहीं बोलोगे ना, तुम ये बोलोगे मीटर। तो बड़ी चीज के लिए बड़ी यूनिट, छोटी चीज के लिए छोटी यूनिट। वैसे ही जो छोटी यूनिट होती है, जब करंट कम होता है, तो उसको हम कैसे नापते हैं दूसरी यूनिट्स में, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 माइक्रो एम्पेयर, मिली एम्पेयर, या फिर 1 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। ये सिंबल याद रखना, ठीक है। 1 मिली एम्पेयर मतलब 10^-3 एम्पेयर, और मतलब 10^-6 एम्पेयर, क्लियर है बात। तो अगर तुम्हें किसी दिन मिली एम्पेयर से एम्पेयर में कन्वर्ट करना हो, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, खत्म बात, ठीक है। अब मैं एक चीज जो दोनों में एक साथ बताने वाला हूँ, तो मान लो सर्किट में से मुझे पता लगा रहा है कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, पकड़ लूंगा आराम से, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिवाइस लगाया जाता है, ठीक, कौन सा डिवाइस है, उसका नाम है एमीटर। तो अगर आपको पता लगाना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो उसको देखने के लिए है मीटर, एमीटर, कहाँ से आया है वर्ड, एम्पेयर से, तो एम्पेयर को नापने के लिए मीटर इज एमीटर। ये कॉम्बिनेशन में लगता है, जिसको कहते हैं सीरीज। अब सीरीज क्या होता है वो आगे जाके पढ़ेंगे अभी, क्लियर। तो यहां पर अगर मुझे पोटेंशियल का पता लगाना है, तो हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, वोल्ट का पता लगाना है, तो वोल्ट मीटर। और ये जुड़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब पैरेलल क्या होता है, या पैरेलल में ही क्यों जुड़ता है, ये बात की बात है। तो दो वर्ड मेरे कहने से याद रखो, सीरीज और पैरेलल, बाकी सब समझ में आ जाएगा, क्लियर है बात। आगे सुनो, अब हमें ये तो समझ में आ गया यार कि भैया इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, चार्ज करंट बन रहा है, और उनको मूव कराने के लिए धक्का लगाया जा रहा है। धक्का कौन लगा रहा है, धक्का लगा रही है बैटरी, जिसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ा हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यार हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और एक है V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो जब धक्का लगता है तब करंट बनता है, इन दोनों को जोड़ेगा कौन, क्योंकि धक्का लगने से करंट बनता है ना। तो अभी तक तो कोई जोड़ने वाला फॉर्मूला है नहीं, ये सबसे पहले सोचा एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है ओम्स, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, डेट इज सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम में तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेंगी, उनके बारे में याद कर लेना, वरना मेरे बुक में है, अभी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक। तो अगर तुम सर्किट डायग्राम के बारे में समझोगे, तो सर्किट डायग्राम में क्या है कॉन्सेप्ट, उसके अंदर यार बेसिकली बात ये है कि यार डायग्राम को ना हम बना नहीं सकते। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूँ बल्ब बनाओ, स्विच बनाओ, तो इतनी अच्छी ड्राइंग तो है नहीं, ना इतना टाइम है। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, सिंबल्स को ही बोलते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। जैसे कि बल्ब की स्विच है, ऑन एंड ऑफ के लिए हम ये बना देंगे, ठीक। बैटरी है, उस सेल है सॉरी, एक बार ये बना देंगे, बड़ा वाला एंड पॉजिटिव, छोटा वाला एंड नेगेटिव। बैटरी बनानी तो दो बार रिपीट कर दो, झुंड होता है बैटरी, क्या सेल्स का झुंड होता है, ठीक है। तो उसमें ये रिपीट कर दो,
बस ये याद रखना एक एंड बड़ा बना रहे हो तो दूसरा एंड छोटा बनाना, चाहे इधर छोटा बना दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाना है। और इसमें जोड़ना भी है, और किसको जोड़ना है, आपस में बैटरी मत जोड़ देना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक चीज है तो उसको नहीं जोड़ना है, दूसरे वाले से जोड़ना है, तभी तो बनेगा कॉम्बिनेशन, ठीक, इस बात का ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है क्या नाम है, एमीटर वोल्टमीटर, तो एमीटर के लिए ए लिख दो बोले में, वोल्टमीटर के लिए बी लिख दो, बात खत्म, क्लियर। बल्ब, बल्ब का साइन कुछ ऐसा, क्लियर है बात। फिर एक कॉन्सेप्ट है रजिस्टर का, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम रजिस्टेंस, रजिस्टर क्या होता है, तो उसके लिए ये सिंबल है, क्लियर, ये है रजिस्टर का सिंबल, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर पढ़ेंगे, ठीक। तो उसके साथ एक और चीज आती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर क्या करता है, अब जब तुम्हें रजिस्टर नहीं पता तो वेरिएबल रजिस्टर कैसे बताऊं, है ना, तो ये बाद में थोड़ी देर बता लगाऊंगा, बताएंगे अभी, अभी बता देता हूँ। ऐसे तो रजिस्टर क्या करता है यार, एक तरह से रुकावट पैदा करता है, ठीक। वेरिएबल रजिस्टर क्या करेगा, रुकावट को बार बार चेंज करेगा, सिंपल सा मतलब है भाई, रुकावट को, ये रुकावट है, ठीक है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या हो गया, जो बार बार चेंज होता है, तो एक तरह से एक डिवाइस होता है, ऐसे बड़ी सी रॉड जैसा होता है, ठीक है, उस पर एक हुक लगा हुआ होता है, ये तुम लैब वगैरह में अगर देखा होगा तो, उसको जैसे जैसे आगे पीछे मूव करोगे, आज और दूसरे भी होते हैं, की वाले होते हैं कुछ, तो वो हर पॉइंट पर अलग अलग रजिस्टर देगा, रजिस्टेंस देगा, तो आपको अगर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हो, बेसिक फंडा ही है उसका। लेकिन ये सर्किट डायग्राम से है, ठीक है, तो ये मेरी बुक से देख लो यार, ये सारा कॉन्सेप्ट तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से ब्रेक्ड है, तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा, इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे फॉर्मूले, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा था, ठीक है, तो टू कूलम ऑफ चार्ज वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था अभी, ठीक, सर्किट डायग्राम्स ये रहे, ठीक है, जितने भी सर्किट डायग्राम्स काम के वो ये रहे। अब मैं जो दो बताने यार, वायर ज्वाइंट और क्रॉसिंग वायर, ये मेरे से मिस हो गए, ये मैं बता देता हूँ, ठीक। तो सुनो, अब एक होता है वायर ज्वाइंट और एक होता है क्रॉसिंग वायर, ठीक है। तो वायर ज्वाइंट क्या होता है, ठीक, तो मान लो एक सर्किट फ्लो कर रहा है, एक सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, तो मान लो फॉर एग्जांपल एक सर्किट है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर, इस सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है और इसी में से मैंने टाका मार के दूसरे सर्किट के लिए करंट खींच लिया, तो उसको कहते हैं वायर ज्वाइंट, मैंने ज्वाइंट मारा है, ठीक है, ये रहा, और यहां से करंट खींचा जा रहा है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है, ये हो गया वायर ज्वाइंट, दूसरी तरफ होता है क्रॉसिंग वायर, ठीक, इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ठीक है, एक होता है क्रॉसिंग वायर, ठीक है, ये होता है क्रॉसिंग वायर। क्रॉसिंग वायर क्या होगा यार, दिमाग लगाओ, मान लो फॉर एग्जांपल एक सर्किट है जो काम कर रहा है, दिमाग लगाना, ठीक है। लेकिन यार मान लो फॉर एग्जांपल घर में मान लो एक पार्टी चल रही है, ठीक है, वहां पे एक वायर जा रहा है एक लाइट जलने का, ठीक है, दूसरी तरफ से एक वायर जा रहा है फैन चल रहा है, ठीक है, समर्स का सीजन है, ठीक। लेकिन जहां पे तुमने देखा वहीं पे एक कैमरा मैन है, उसका भी वायर होता है एक कैमरे का, है ना, तो वहीं पे एक और वायर पड़ा हुआ, तो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, लेकिन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी से इलेक्ट्रिसिटी करंट खींच नहीं रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाने के बोल दिया जाए तो कैसे दिखाओगे, ठीक है। तो अभी हमारे सिलेबस में तो नहीं आता ऐसा कॉन्सेप्ट, लेकिन हायर तो आएगा, तो तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई एक सर्किट का वायर ये रहा, ये अपना काम कर रहा है, इसके यहाँ से एक दूसरा वायर जा रहा है, ठीक है, मान लो ये रहा, अब आप उसको थ्री डी में तो दिखा नहीं सकते हो, है ना, जैसे मैंने बोला ये देखो जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है ना, ऐसा वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि देख भाई ये जा तो आपस में एक दूसरे के ऊपर से रहे, लेकिन एक दूसरे से करंट नहीं ले रहे, करंट ले रहे होते तो ये बनाते वायर ज्वाइंट, ये क्या है क्रॉसिंग वायर, क्लियर है बात। आगे सुनो, ये तो सर्किट डायग्राम्स, अब बात आती है ओम्स लॉ की, किसकी बताएगी अब, ओम्स लॉ, ठीक। अब ओम्स लॉ क्या कहता है यार, ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि यार V is equal to IR, ठीक है, समझ लेते हैं, एक हमने पढ़ा I is equal to Q by T, मेन फॉर्मूला बता रहा हूँ, और दूसरा पढ़ा V is equal to IR। अब हमें ये तो पता है कि एक सर्किट में से करंट फ्लो करता है, ठीक है, और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सीधा ओम्स लॉ लिखने में लगा होता, ठीक है, एक हो गया V is equal to W by Q, सॉरी, ठीक। अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले, ठीक है, अब हमारे को बोला गया कि ओम्स लॉ बनाओ यार, ओम्स लॉ क्या करता है, तो उससे बोला है यार पोटेंशियल और करंट तो एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की वजह से काम करते हैं, तो इन दोनों का भी तो एक रिलेशन होना चाहिए, तो ये ओम्स लॉ में बनाया गया, ठीक। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि जब पोटेंशियल होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। देखो एनसीईआरटी में इस तरीके से समझाया गया, हमको इस तरीके से समझाना पड़ता है, ठीक है, असलियत में ना थोड़ा सा रिवर्स होता है क्योंकि इन्वर्सली में आती है चीजें, लेकिन इतना ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है तो तुम्हें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तो इसी वजह से ऐसा है, ठीक है। तो हायर में जाओगे तो थोड़ा सा ये लग लगेगा तुम्हें, ठीक, लेकिन अभी के लिए समझो। तो वो ये कह रहा है कि जितना करंट बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा, कि उल्टा होता है ना, ये सही है, जितना करंट बढ़ाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं,
ठीक है, चलो पहले इसकी पूरी डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये बोलना बहुत जरूरी है भाई क्योंकि मार्क्स कटेगा इसका, ठीक है। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, चलो मैं तुम्हें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट थोड़ी दो मिनट बाद बताऊंगा, पहले ये बता देता हूँ कि ये क्या बोलता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने सेटअप करा 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, और मान लो 5 एम्पीयर के करंट पर 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, क्लियर। मैंने इसको कर दिया 10 एम्पीयर और ये हो गया 4 वोल्ट, क्लियर है। तो भाई अगर मैं इसको 15 एम्पीयर करूंगा तो अपने पे कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, इसको 20 एम्पीयर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, होगा कि नहीं होगा, है ना ये। लेकिन अगर आप जैसे टेम्परेचर चेंज कर दोगे यार, मान लो आपने 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो भाई ये दिक्कत हो जाएगी। अब आप इसको 25 करोगे ना, 25 एम्पीयर करोगे तो ये 10 वोल्ट नहीं होगा, ये कुछ और ही होगा, कम होगा ज्यादा होगा, अभी मैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्लियर, समझ में आ गया ना क्या बोला। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए याद रखो कि ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, क्लियर है बात, तो सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। अब बात ये है कि यार भैया चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ठीक। अब देखो मैथमेटिक्स ये कहते हैं कि यार डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटता है ना तो इक्वल का साइन आता है, तो इक्वल का साइन लगाओ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन इक्वल का साइन आएगा। और एक और चीज कहती है कि इक्वल का साइन जब लगाओगे तो कॉन्स्टेंट आता है भाई, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है ज्यादातर, है ना। तो हमने उसके लिए के ले लिया और बाकी आई तो है, जब इसको मैथमेटिकली निकाला गया था, इसको इक्वेशन सॉल्व किया तो पता लगा ये K क्या है, R है, तो फॉर्मूला बना V is equal to IR. What is R? R is resistance. Resistance क्या होती है? Resistance का मतलब होता है रुकावट, ये समझो अब, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला बन गया हमारा तीसरा, और ओम्स लॉ ने ये बता दिया। और भाई ये जो तीसरा फॉर्मूला बना है ना, ठीक है, नंबर नहीं लिखता, कंफ्यूज हो जाओगे, ये जो तीसरा फॉर्मूला बना है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामबाण इलाज है, कहीं फंस जाओ तो ज्यादातर यही निकालेगा तुम्हें वहां से, समझ में आ गया क्या बोला, कहीं भी फंस जाओगे तो इसको याद करो, पक्का क्लियर, मस्त। आगे सुनो रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा इसका एक डायग्राम भी बनेगा, इसका अगर मान लो तुम्हें वो दे दिया जाए क्या नाम है, चार्ट बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, ये बात दिमाग में बिठा दो, मान लो ये वी आई आई है, ठीक है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोई चीज, अभी हमारे को जरूरत है नहीं, लेकिन उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, क्लियर, कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, अभी उसकी जरूरत है नहीं, लेकिन अभी है ना, तो अभी हमको इसके बारे में जरूरत है नहीं, तो हम इसको हटा देते हैं। तो सुनो, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया यार रुकावट। अब रुकावट का मतलब क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आप एक रेस में भाग रहे हो, ठीक, 200 मीटर की रेस है, 200 मीटर की रेस में ना उसमें कुछ हर्डल्स लगा रखे हैं, ठीक। तो 200 मीटर की रेस मान लो आप फॉर एग्जाम्पल कुछ एक मिनट में कर देते, ठीक, लेकिन अब क्या दिक्कत है, उसमें हर्डल लगा दिए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, तो आपको रुकावट पैदा होगी, आप रुकोगे। वैसे ही है, एक सर्किट में से अगर करंट जा रहा है लेकिन मेरे डिवाइस को तो करंट चाहिए ही नहीं, हमारे इंडिया में 220 वोल्ट का करंट आता है 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर, ये क्वेश्चन है एमसीक्यू, याद रखना, ठीक है। तो हमारे इंडिया में 220 वोल्ट का करंट आता है, लेकिन मान लो मेरे को मोबाइल चार्ज करने के लिए 100 वोल्ट चाहिए, ठीक है, खैर ये पॉइंट्स अलग होते हैं लेकिन अभी के लिए समझ लो एग्जांपल, तो मुझे 120 वोल्ट कम करना है, कैसे करूंगा, रजिस्टर लगाकर, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं रजिस्टर्स, ठीक है, उन पे कलर कोडिंग्स होती है जिससे पता लगता है, ये थोड़ा हायर क्लासेस का है, तो उन पे कलर कोडिंग होती है जिससे पता लगता है वो कितनी रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम लगा देंगे वो होता करंट कम करके दे देगा, बताओ समझ में आए कि नहीं आए, ठीक। तो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो रुकावट पैदा करते हैं इसको कहते हैं रजिस्टेंस, तो हमें जितना करंट नहीं चाहिए वो खा लेगा, ठीक है। आगे सुनो, ठीक, अब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो देखो टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा असर डालता है, क्योंकि खुद सोचो तुमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी हुई है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, दिमाग लगाना क्या बोल रहा हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या दिक्कत होती है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, समझो, तुम्हें याद होगा जो तुमने वहां पे पढ़ा था, मैं वो याद दिला देता हूँ, कि मम्मी जब खाना गरम गरम बनाती है तो दूर से खुशबू आ जाती है ना, लेकिन जब फ्रिज से निकालती है तो खुशबू आती है नहीं, क्योंकि गरम खाने के अंदर क्या होता है, हीट ज्यादा होती है और उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए पार्टिकल दूर तक ट्रेवल करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक गर्म जगह है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक, तो वहां पे जो गर्मी वाला जो एरिया हो, जैसे हमारे इंडिया का ले लेते हैं, साउथ इंडिया में थोड़ी ज्यादा टेम्परेचर रहता है हमेशा, तो साउथ इंडिया में अगर एक वायर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऐसे मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं यहाँ पर होते हैं ऐसे, ठीक है,
और असलियत में ये यही होता है कि बैटरी क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर रैंडम मोशन दिखा रहे थे, बैटरी उनको एक डायरेक्शन में मूव कराती है, तभी तो बैटरी की जरूरत है, ठीक। लेकिन ये इधर गए, इधर किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गए, इधर के दीवार से टकरा गए, इधर आ गए, इधर ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बैटरी इनको एक साइड में ले जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बैटरी वो क्या सॉरी टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और तेजी से भागने लगेंगे इधर उधर, जिगजैग मोशन बहुत तेजी से दिखाएंगे, ब्राउनियन मोशन, है ना। इस वजह से इसको एक डायरेक्शन में लाने के लिए ज्यादा करंट देना पड़ेगा, ज्यादा पोटेंशियल देनी पड़ेगी, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्लियर। तो आपको ज्यादा पोटेंशियल देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब गर्म देशों में ज्यादा बिजली देनी पड़ती है, ठीक। लेकिन अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ठंडा देश है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर होगा ये कि ज्यादा टेम्परेचर जैसे होगा कम टेम्परेचर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी नहीं बचेगी ज्यादा, वो ज्यादा तेजी से मूव नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। और जब इधर उधर नहीं भाग रहे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं है, तो उनको एक डायरेक्शन मिलाना आसान हो जाएगा। यही यहाँ पे किया जाता है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जैसे इसका मतलब जो ठंडे देश है वहां पे ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है नहीं, क्लियर है। ये बात इंपॉर्टेंट तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक। आगे सुन लो, तो इसमें टेम्परेचर का सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसलिए फॉर्मूले में भी बताना पड़ेगा आपको। तो अब क्या बात आती है, रेसिस्टेंस का मतलब रुकावट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट, ठीक है। अब रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक। तो ये हो गया था ओम्स लॉ, यहाँ तक तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होती है यार। तो देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट। लेकिन यार ये कैसे समझाया जाए कि रुकावट अब किस चीज पे डिपेंड करती है, है ना। तो रुकावट डिपेंड करती है यार चार फैक्टर्स पर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रुकावट किस पर डिपेंड करती है, फोर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक। कौन कौन से फोर फैक्टर्स हैं, तो सुनो, रेजिस्टेंस डिनोट करते कैपिटल आर से, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। इसकी ऐसा यूनिट याद रख लो, इसकी दोस्तों ऐसा यूनिट है ओम, वो जो साइंटिस्ट उसी के नाम पे रखती, क्लियर। इसका सिंबल भी होता है ओमेगा, जिसको ऐसे बनाते हैं, सिंबल का नाम है ओमेगा, बाकी यहाँ पे ऐसे यूज होता है। तो ओ एच एम पूरा लिखो चाहे वो सिंबल बना दो, बात एक ही है, ठीक। आगे सुनो, चार फैक्टर्स हैं, ठीक है, चार फैक्टर्स इस रेजिस्टेंस पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, या फिर उसके ऊपर फैक्टर्स बस हटाते हैं। तो सुनो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के, वायर की लेंथ कितनी है। तो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल एक वायर बहुत लंबा है, ठीक है, तो करंट को धक्का, करंट मारेगा इलेक्ट्रॉन को धक्का, तो धक्का मारने में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ज्यादा दूर तक करनी, क्योंकि रास्ता लंबा है तो दूर तक करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक रोड है, ठीक, उबड़ खाबड़ रोड है, जिगजैग रोड है, उस पर आप साइकिल चला रहे हो बिना शॉकर वाली, तो जितना लंबा रोड होगा उतनी ज्यादा दिक्कत आपको देर तक झेलनी पड़ेगी, तो जितनी ज्यादा लेंथ रुकावट उतनी ज्यादा, सिंपल सा लॉजिक ये रहा। दूसरा पॉइंट, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली मतलब 1/4 में प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। तो सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल वायर ये है, तो इसकी तो लेंथ हो गई, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये कैसे दिखाई दे रहा है, सर्कुलर, तो एरिया का सर्कुलर एरिया मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो या तो एरिया बोल दे या पाई आर स्क्वायर, बात देखी है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब एरिया बढ़ेगा, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे तो समझो जरा ध्यान से। तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब वही एग्जांपल लेते हैं, आप एक साइकिल चला रहे हो, तो जो साइकिल चला रहे हो, मान लो उसका जो रोड है वो लंबा तो छोड़ो चौड़ा है, इस बार क्या होगा, चौड़ा रोड में क्या होगा, तो जैसे जैसे आप साइकिल चलाते हो, दिमाग लगाना, जैसे जैसे आप साइकिल चलाते हो जाओगे, तो अगर मान लो इधर खराब है तो इधर से निकल जाओ, इधर खराब है तो इधर से निकल जाओ, है कि नहीं, थोड़ी सी कन्वीनियंस मिलेगी एटलीस्ट। तो इसीलिए जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, ठीक। इन दोनों फॉर्मूलों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, एल बाई ए मल्टीप्लाई कर दिया, वन से एल को मल्टीप्लाई कर दिया, एल ही आएगा, सिंपल सा लॉजिक। और रेजिस्टेंस जो होता है इक्वल, दिमाग लगाना जरा ध्यान से, एल बाई ए, तो वही बात आ गई, इक्वल का साइन लगाओगे तो कांस्टेंट आएगा एक, और यहाँ पे जब कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई तो वो पता लगा वो है रो, सिंबल का नाम है रो, ठीक है, एल बाय ए। और ये बन गया आपके सिलेबस का और इस चैप्टर का फोर्थ फॉर्मूला, मेन फोर्थ फॉर्मूला, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन है कि भैया रो क्या है, तो इसका नाम तो देखो आर एच ओ प्रोनाउंस होता है, लेकिन इसका नाम है डिनोट किसको कहता है, रेजिस्टिविटी को। अब तुम बोलोगे कि यार भैया रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे,
अभी आपने बोला चार फैक्टर पर डिपेंड करता है, चार तो आपने बताए नहीं, दो ही बताए, ऊपर से नया कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो सुनो अब बताता हूँ मैं तुम्हें पहले, तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर। तीसरी चीज़ है टेम्परेचर, अभी जो पीछे बताया था, तो जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे, ये भी समझा दिया तुम्हें, क्लियर, कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा कम टेम्परेचर होगा तो धीरे मूव करेगा, ज़्यादा तेज मूव करेगा वगैरह वगैरह, ठीक। चौथी चीज़ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो। तो इसलिए तुमने देखा होगा जब पापा या कोई भी जब दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो पूछते हैं कभी कभी कि इसकी वायरिंग किससे है, कॉपर की है एल्यूमिनियम की है। क्यों भाई, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर अलग अलग नेचर है दोनों का, तो इसलिए दोनों जब करंट खाएंगे तो कम और ज़्यादा खाएंगे। समझ आया मैंने क्या बोला, इसीलिए पूछा जाता है, और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया जिसको कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। तो चौथी चीज़ किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, उस नेचर ऑफ मटेरियल को कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी बोलो या नेचर ऑफ मटेरियल बोलो, तो बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं जिस पर डिपेंड करता है, डेट इज टेम्परेचर, ठीक। और फोर्थ पॉइंट हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब मेटल जो भी आप यूज कर रहे हो, कंडक्टर, क्लियर। अब एग्जैक्टली अगर रेजिस्टिविटी का बताया जाए तो मैं तुम्हें एक सिंपल से तरीके से समझाता हूँ कि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था कि आप एक रेस में भाग रहे हो, ठीक है, 200 मीटर की रेस है जो आप एक मिनट में खत्म कर देते, लेकिन उसमें रुकावट हर्डल्स लगा दिए तो आपकी स्पीड कम होगी। लेकिन अगर मैं ये भी बता दूं कि हर्डल की लेंथ कितनी है, 2 फीट का है, 3 फीट का है, 4 फीट का है, तो आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे, अच्छा इतनी फीट पे छलांग लगानी है। तो पहले बता दूं सिर्फ रुकावट है भाई, कितनी और कैसी रुकावट है, अगर मैं ये भी बता दूं तो नेचर ऑफ मटेरियल बता रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं, याद रखिए ये बात, पक्का क्लियर है। आगे सुनो जरा ध्यान से यार, ठीक है, अब ठीक है यार, ये तो समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब बहुत बढ़िया एक टॉपिक, दैट इज जो भी हम बात भी कर रहे थे दो वर्ड्स की, मैंने बोला था थोड़ी देर में याद रखना बताऊंगा मैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये क्या है भाई, ठीक है, तो सुनो, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का मतलब होता है रजिस्टर्स को कैसे जोड़ा जाए। मैंने तुम्हें भी बताया यार कि मान लो आपको 120 वोल्ट अगर कम करना है, तो आपने गए दुकान पर कि अंकल इतने वोल्ट का रजिस्टर दे दो, 2 वोल्ट मान लो, दो ओम का रजिस्टर दे दो। अंकल गए बॉक्स में से निकाल के दे दिया, अगले दिन तुम गए नया सर्किट बनाया तुमने, अंकल तो बोला अंकल 5 ओम का दे दो, दे दिया। अंकल 10 ओम का दे दो, दे दिया। एक दिन तुम्हें जरूरत पड़ी 12 ओम की, तुम गए अंकल के पास, अंकल 12 ओम का दे दो, अंकल गए तुम्हारे कान पर लगाया एक कि अबे गधे जो तुम मांगेगे वो थोड़ी मिल जाएगा। लेकिन अंकल ने आइडिया दिया कि मेरे पास इस तरीके के रजिस्टर्स हैं, इस ओम के रजिस्टर्स हैं, तू अगर कुछ कर सकता है जुगाड़ तो तू सेट करके देख ले भाई। तुमने बोला ये क्या होता है भाई, तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है दोस्तों सीरीज, एक होता है क्या सीरीज, और एक बड़ा भी थोड़ी देर पहले और बताया था, डेट इज पैरेलल, ठीक है। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो पहले डायग्राम्स के थ्रू एग्जांपल समझते हैं। तो सुनो, तो सीरीज डायग्राम को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल बैटरी लगा रखी है, ठीक, तो उसमें अगर देखोगे तो रजिस्टर ऐसे लगा रखे हैं, ठीक। और इसके अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर जो रजिस्टर लगा रखे होते हैं वो कुछ इस तरीके से लगा रखे हैं, क्लियर है। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है, ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है, ठीक, समझ में आ गया। अब इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, पोटेंशियल V है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो I है, पोटेंशियल V है। अब सीरीज और पैरेलल में अंतर क्या है यार, ये समझो। देखो अभी तो डायग्राम बना हुआ और बहुत इजी डायग्राम बना हुआ, तुम देखते के साथ बता सकते हो कि भैया ये सीरीज ये पैरेलल। लेकिन यार जब मिक्स होकर आएगा तब कैसे पता लगाओगे कौन सी ब्रांच सीरीज है, कौन सी ब्रांच पैरेलल है, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। तो सुनो, देखो सिंपल सी बात यह कि जब सर्किट में से करंट निकला तो वो रजिस्टर के पास जाने के लिए डिवाइड हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब सर्किट में से करंट निकला तो जाने के लिए डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। देखो यहां पे रजिस्टर के पास गया बिना डिवाइड करे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसके पास गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसके पास भी आया सीरीज कॉम्बिनेशन, सर्किट पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें अगर तुम देखोगे तो यहां से करंट गया और डिवाइड हो गया 3 ब्रांच में, यहां से जब सर्किट गया तो 3 ब्रांच में डिवाइड हो गया, और 3 ब्रांच में डिवाइड होने का मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर ब्रांच में जाने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ा, टूटना पड़ा, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सीरीज और पैरेलल, पक्का क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया।
अब समझो, अब इनका फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बनाने के लिए ना आपको एक हैक याद करना पड़ेगा, और ये हैक बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। जैसे एनसीईआरटी के ही है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नया सिलेबस पुराने सिलेबस कुछ कुछ चेंज कर दिए, ठीक। तो ये चीज समझो, ठीक है। अब तुम्हें ना ये समझना पड़ेगा कि यार ये जो चेंज है ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक। तो ये जो हैक है ये तुम्हें मदद करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में भाई। मतलब जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या होगा कि बहुत बार तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि भाई यार ये बताओ भैया कि यहाँ पे करंट सेम है कि पोटेंशियल सेम है ना। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोला था कि यार मैंने तुम्हें बोला कि हम उसमें सीरीज ही क्यों यूज कर रहे हैं या फिर पैरेलल तरीका क्यों यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को एमीटर लगाना है तो मैं सीरीज ही क्यों लगा रहा हूँ भाई, अगर वो क्या नाम है वोल्ट मीटर लगाना तो पैरेलल क्यों लगा रहा हूँ, यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हें पहले डायग्राम देखिए समझ में आ जाना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है या नहीं होता है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो सुनो देखो यार, सीरीज के अंदर याद रखो कि जो करंट रहता है ना यार वो सेम रहता है और जो पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वैसे पैरेलल के लिए क्या याद रखो कि आप उल्टा, इसमें जो करंट है वो चेंज होगा और जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। अगर तुम्हें ये दो बातें याद हैं तो भाई बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, क्लियर। ये क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, ठीक है समझ में आ गया मैंने क्या बोला। तो समझो जरा ध्यान से, तो चेंज और सेम और ये ऐसे तुम्हें याद करना है, ठीक। अब जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर इसके अंदर मान लो करंट और पोटेंशियल अगर ऐसे काम कर रहा है तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो पोटेंशियल ये खाएगा, ये जो पोटेंशियल खाएगा और ये जो पोटेंशियल खाएगा ये अलग अलग होगा। लेकिन जो पोटेंशियल ये खाएंगे उसको छोड़ो, ये पोटेंशियल तो सेम जाएगा, जितना पोटेंशियल यहां से जाएगा उतना ही तो खा पाएंगे ये। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको ये आर वन है तो वी वन, ये वी टू, ये वी थ्री और ये मेन है तो इसको वी मान लेते हैं। तो वी जितना भी जाएगा वो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस ऐसे और भी लगा दिए जाते, तो ऐसे करते करते किसके बराबर होता वो वी एन के बराबर होता। एन का मतलब और भी लगा दो आप, चार दस पंद्रह बीस। अब खुद सोचो वी का फॉर्मूला ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता था, वी इज इक्वल टू आई आर। तो अगर वी की जगह पे मैं आई आर डालने की कोशिश करूं तो आई आर, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे छोटा सा क्या नाम है सीरीज के लिए एस लिख रहा हूं, तो यहाँ पे एस हो जाएगा। वैसे V1 क्या हो जाएगा, आई आर वन। अब तुम बोलोगे कि भैया I क्या आ गया, वन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना भाई I सेम रहता है हर जगह पे, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर जो करंट खाएगा वो सेम रहेगा। जैसे एक फेमस क्वेश्चन भी है मेरी बुक में भी है, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर कि अगर ये वाला बल्ब ऑफ कर दे तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसका बल्ब ऑफ ऑन कर दे तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन है ना। तो वैसे आई आर टू आई आर थ्री ऐसे करते करते आई आर एन। अब करंट हर जगह सेम है तो सब जगह से कॉमन निकाल लो, बाहर आ जाएगा आर सीरीज तो आर वन, ठीक है। मैं थोड़ा सा गलत काम होता स्पेस की दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये आर सीरीज, अब यहां से आई को मैं अगर मैं निकाल लू तो वन आर टू आर थ्री आर एन तक चलेगी ये बात, आई से आई कट जाएगा और फॉर्मूला क्या बना, आर सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस RN तक। तो इसका मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है दोस्तों तो डायरेक्ट एड ऑन कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन उल्टा होगा क्योंकि वहां पे I चेंज होता है, I चेंज होता है V सेम रहता है, तो यहां से जितना भी I जाएगा वो सब जगह पर बराबर जाएगा, ठीक है। सॉरी मतलब अलग अलग ब्रांच में जाएगा लेकिन टोटल जितना जाएगा उसके के बराबर होगा। तो I बराबर होगा, P लिख देता हूँ पैरेलल के लिए, I1 में जितना जाएगा प्लस I2 में जितना जाएगा प्लस I3 में जितना जाएगा, इसको मैं शॉर्ट में करूंगा, ठीक है। वैसे आई एन तक, क्लियर। दोबारा यही फॉर्मूला ओम्स लॉ, लेकिन इस बार आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, वी अपॉन में आर इज इक्वल टू में आई, तो ये डालो यहाँ पर। तो अब इसीलिए बोल रहा हूँ मैं जल्दी करूंगा, मतलब डायरेक्ट करूंगा, तो वी अपॉन में आर पी लिख रहा हूं मैं। अब वी तो सेम है तो उसके लिए तो वन टू थ्री लिखने की जरूरत है नहीं, तो आर वन वी अपॉन में आर टू ऐसे करते करते वी अपॉन में आर एन, ऊपर से वी सारे कॉमन कट जाएंगे, क्या बचेगा फॉर्मूला सीधा सीधा वन अपॉन में आर पैरेलल का फॉर्मूला है, वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री वन अपॉन में आर एन, ये रहा सीरीज से पैरेलल का फॉर्मूला। तो अगर कॉम्बिनेशन पैरेलल है दोस्तों तो क्या करोगे आप, तो भाई साहब आप उसको वन अपॉन में करके प्लस करोगे। लेकिन एक बात और याद रखनी है, मान लो आपका आंसर जो है, ठीक है, मान लो आंसर आपका वन अपॉन में आर का जो आंसर आ रहा है, मान लो टेन अपॉन में थ्री आ रहा है, तो भाई आंसर आप उल्टा करके दोगे,
ये बात याद रखना, क्योंकि आपको आंसर आर का देना है, तो 3/10 हो जाएगा ये। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक, मैं पीछे एक चीज भूल गया छोटी सी, जो ये जो रेजिस्टिविटी थी ना, इसकी ऐसा यूनिट, तो अगर इसकी ऐसा यूनिट निकालने का कभी मन करे तो तुम डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, और निकालने का तरीका तुम्हें पता ही है। जिसकी भी ऐसा यूनिट निकालनी होती है उसको अकेला कर दो। ठीक, तो इसका अगर फॉर्मूला देखोगे तो इसको अगर मैं अकेला कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रो आर ए बाय एल, यही होगा है ना। अभी देखिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, तो रो आर ए बाय एल, आर की वैल्यू ओम, एरिया की वैल्यू मीटर स्क्वायर और मीटर, तो ये क्या हो गया, ये तो सीधा सीधा ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ओम मीटर। क्लियर है बात, ये इसकी ऐसा यूनिट होगी। ठीक, धीरे धीरे चीजें याद आ रही है। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन तुम्हें याद रखना, ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, अब बात ये कि भैया याद क्या करना है इसमें से, तो देखो कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं तुम्हें, तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि डेरिवेशन है नहीं। मैंने डेरिवेशन सिर्फ इसलिए बताई ताकि तुम्हें ये पॉइंट समझ में आए कि क्या हो रहा है, इस तरीके से न्यूमेरिकल बहुत सारे सॉल्व होंगे। क्लियर है बात, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ठीक है यार भैया, ये तो समझ में आ गया, ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन, चलो इन पे क्वेश्चन कर लेते हैं एक। ठीक, तो मान लो फॉर एग्जांपल ये सबका, दोनों का एग्जांपल सेम रहता तो तुम्हें पता लगे सीरीज और पैरेलल में क्या अंतर पड़ता है। तो सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ठीक है, ओम। कैलकुलेशन के लिए कुछ और इजी भी ले सकते थे लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, चलो इजी ले लेते हैं यार। ठीक है, तो ये 2 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, 6 ओम हो गया। ठीक है, वैसे ये भी 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। क्लियर, तो अगर यार ये सीरीज कॉम्बिनेशन, तो डायरेक्ट प्लस कर दो, हर बार तुम्हें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ये बात याद रखना, डायरेक्ट प्लस कर दो। डायरेक्ट प्लस करने में 2 + 4 + 6, 6 + 10 तो 12 ओम आ गया। क्लियर, इसको देखो, इसमें तुम्हें 1/2 करना पड़ेगा, तो 1/2 + 1/4 + 1/6। अब तुम्हें छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी एलसीएम की, एलसीएम लेना आना चाहिए भाई, है ना। तो इसमें एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा उसको पलट दोगे, क्योंकि आंसर फाइनल तुम्हें रेसिप्रोकल करके देना है, खत्म बात। और ये वैल्यू कम आएगी क्योंकि सीरीज के अंदर करंट थोड़ा ज्यादा और रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है, करंट कम होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उल्टा है। ठीक, हम अपने घर के डिवाइसेस क्यों यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हमारे घर का जो इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों होती है, क्योंकि अगर इसमें से कोई सा भी कहीं से टूट गया तो सब बंद हो जाएगा। इसे मान लो ये टूट भी गया तो ये तो चलता रहेगा ना। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमारे धीरे धीरे एंड की तरफ। अब आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक चीज याद रखना, इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ठीक, डिटेल्ड वीडियो, तो वो मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है, क्या नाम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, ठीक, उसका सीधा लिंक, तो वहां से मिल सकती है तुम्हें। ठीक है, चलो आ जाओ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यार एक चीज बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें कि जब एक सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, दिमाग लगाना, जब एक सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, तो जब सर्किट में से करंट फ्लो करेगा और अगर मैं उसमें रजिस्टर लगा दूं तो रुकावट पैदा होगी, साफ सीधी बात है। तो जो रुकावट पैदा हो रही है, दिमाग लगाओ, जो इस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो रुकावट पैदा करता है, वो रुकावट पैदा करके क्या करेगा उसका, मैंने तुम्हें बताया कि वो जो करंट एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसके वजह से रजिस्टर जो होता है वो खा जाता है। या करंट कैसे खा जाएगा, क्योंकि करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पहले ही स्लाइड में बताया था, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो क्या है दोस्तों, एनर्जी है, तो एनर्जी को तो नहीं बनाया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता, तो ये तो मैंने गलत बोला, झूठ बोला, हाँ भाई झूठ बोला, आप सही करते हैं उसको। चलो, तो यार वो एनर्जी खाता नहीं है, वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि इस पूरे जो लॉ मैंने बोला, इसका पूरा नाम क्या है, पूरा क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो ये भी यही करता है। ठीक है, तो अभी हीटिंग इफेक्ट के बारे में समझते हैं पहले। ठीक, तो सुनो, होता ही है कि जब एक सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा होता है ना यार, तो वो गर्म होने लग जाता है, है ना। तुम अपना, जैसे हमारा वो है चार्जर है या फिर फैन है, ठीक है, तो फैन मान लो बहुत देर तक चलता रहता है तो गर्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर के कई सारे वो लगा रखे डिवाइसेस, तो वो भी उसके अंदर भी रजिस्टर है, वो भी रुकावट पैदा करता होगा, तो वो धीरे 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 जो रुकावट की वजह से जो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में, वो हीट इसमें इकट्ठे होते होते ये गर्म होने लग जाता है। हमने सोचा यार कि जब हम ये डिवाइस को गर्म होना ही है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए, है कि नहीं, हाँ भाई, हम तो हर चीज का फायदा उठाएंगे, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो ऐसा तो नहीं पंखे में जाके एकदम गाल लगा के बैठे हुए हो कि भाई ठंड हो रही है भाई, है ना, क्या ठंड में तो चलेगा, गर्म कैसे होगा, है ना।
लेकिन असली बात यह है कि हीट इफेक्ट कैसे पैदा होता है, इसी से होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जानबूझ के हीट इसके अंदर रेजिस्टेंस और पैदा की जाए, रेजिस्टेंस से अगर हीट पैदा होती है तो मैं ज्यादातर रेजिस्टेंस दूंगा, तो हमने और रेजिस्टेंस देना चालू करा। तो जो इलेक्ट्रिक डिवाइस वाले जो सर्किट्स होते हैं टोटली रेजिस्टिव सर्किट्स होते हैं, ताकि उनके अंदर बहुत सारा करंट खाया जाए वो, और बहुत सारा क्या करे क्या नाम है हीटिंग इफेक्ट पैदा करे। क्लियर है बात? आगे सुनो जरा ध्यान से, ठीक है? तो इसीलिए इसको यहाँ पे समझ रहे हैं हम, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि हीटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, तो इससे पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पावर, क्या समझना पड़ेगा पावर का कॉन्सेप्ट। पावर क्या होता है? पावर का मतलब होता है यार एनर्जी, ठीक है? मतलब पावर और एनर्जी ऑलमोस्ट एक टाइम का अंतर है, लेकिन पावर का मतलब है ताकत, ठीक है? कि एक सर्किट को चलाने के लिए कितनी पावर चाहिए, कितनी ताकत चाहिए, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? तो अब समझना जरा ध्यान से। तो कहने का मतलब कि एक सर्किट में कितनी पावर है ये इस बात पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला बना रहे हैं हम, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक सर्किट में कितनी पावर है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सर्किट में से कितना धक्का लग रहा है, दैट इज पोटेंशियल, और उसकी वजह से कितना करंट बन रहा है। जितना ज्यादा धक्का और जितना ज्यादा करंट बनेगा उतनी ज्यादा उसकी ताकत होगी। सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक? तो इसका फॉर्मूला था वी आई। देखो इसका फॉर्मूला अगर तुम एक्स्ट्रा पीछे जाओगे तो क्लियर होता है, वी धक्का लगने पर कितना चार्ज मूव करा पर यूनिट टाइम, तो यहां से यही आएगा, ठीक है? तो तुम कहीं से भी समझ लो, बात देखी है, ठीक? अब मान लो पावर, जब ये पोटेंशियल लग रहा है और उससे करंट बन रहा है, कितनी देर के लिए बन रहा है, तो मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूं तो पावर इनटू टाइम, मैथमेटिक्स तो दोनों तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई कराएगी, तो मल्टीप्लाई कर दो तो पावर इनटू टाइम इज एनर्जी वी आई टी। कौन सी एनर्जी बन रही है? हीट एनर्जी। तो इसको हमने लिखा एच और फॉर्मूला बन गया वी आई टी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? है ना, मस्त है ना फॉर्मूला, समझो जरा ध्यान से। तो फॉर्मूला बना वी आई टी, क्लियर? अब ये है फॉर्मूला। अब तुम बोलोगे कि भैया ये वाला फॉर्मूला भी है, ये वाला फॉर्मूला कौन सा याद करें, दोनों याद कर लो। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लगभग 8 फॉर्मूला याद करने तुम्हें चैप्टर में, ठीक है? लेकिन अगर तुम इसको याद करो तो इसको जरूरत क्या है यार, है कि नहीं भाई? पावर इनटू टाइम इज एनर्जी, और उधर मल्टीप्लाई उधर भी कर दिया था, बस यही करा था। लेकिन इसके बाद से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, तो अब मैं इसको देखो दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे? तो सुनो, मान लो फॉर एग्जाम्पल हीट निकालने के लिए मुझे बोल दिया जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, और यही इलेक्ट्रिसिटी में ये कॉन्सेप्ट है, जब भी न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स होते हैं यही चीज होती है कि यार जब क्वेश्चन बनते हैं ना उसमें तुम्हें देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसीलिए न्यूमेरिकल करते समय सिंपल हैक, पहले गिवन लिख दो और फिर देखो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है। जो चीजें नहीं है उसको निकालने की कोशिश करो, या फिर कोई ना कोई तरीका देखा होगा उनको निकालने का, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर निकालते समय उसने मुझे दे दिया होता पोटेंशियल और चार्ज और करंट और टाइम, ठीक है? तो पोटेंशियल, चार्ज और टाइम, मैं लगा पड़ा हूँ इस फॉर्मूले को सोचने में, क्या भाई थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा, आई का मतलब ये तो क्यू बाई टी होता है कि नहीं? वैसे यहाँ पर है, किसी दिन उसने मेरे को बोल दिया कि हीट निकाल भाई, और उसने मुझे बोल दिया कि पोटेंशियल ये रहा, समझ में आया, और टाइम ये रहा और रेजिस्टेंस ये रहा। मैं बोलूंगा भाई पोटेंशियल तो चल समझ में आता है, टाइम तो चल समझ में आता है, अबे रेजिस्टेंस क्यों दे रहा है, करंट दे दे भाई। तो भाई जब आपके पास जो चीज नहीं है उसको गायब कर दो, ठीक? और गायब करने में मदद कौन करेगा? ओम्स लॉ। मैंने बोला था ना भाई, जहां पे कोई काम नहीं आता वहां पे ओम्स भैया काम आते हैं, ठीक है? तो यार अगर मेरे को वी गायब करना है तो मैं क्या करूंगा, वी की वैल्यू निकाल लूंगा, जिसको गायब करना उसी की वैल्यू निकालो, ठीक? तो वी को गायब करना है तो वी की वैल्यू आई आर है, बाकी आई और टी तो पहले से ही, तो इसका फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर टी। समझ आया, ठीक है? आगे सुनो, दूसरी तरफ अगर इसमें अगर मेरे को आई को गायब करना तो आई की वैल्यू निकाल लो, आई की वैल्यू क्या है, वी अपॉन में आर, तो यहां पे डाल दो एच इज इक्वल टू में वी अपॉन में, सॉरी हाँ वी, वी अपॉन में आर इंटू में वी पहले से ही इंटू में टी, तो ये क्या बन जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। समझ में आया मैंने क्या बोला, ठीक है? तो सॉरी एच, ठीक है? एक फॉर्मूला ये रहा और एक फॉर्मूला ये, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि इस फॉर्मूले को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज अ क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड्स 2020। ये फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए बोल दिया था, सोचो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है? तो इसलिए फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है यार। क्लियर है बात? समझ में आ गया ना क्या वाला? तो अब अगर किसी को दिक्कत है तो आप बताओ, ठीक है ना? आगे समझना, कोई भी दिक्कत हो तो इसे डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? आगे देखो यार, ठीक है? ये था लॉजिक।
अच्छा इसके एप्लीकेशन क्या है कि भैया हीटिंग इफेक्ट का हम कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात बहुत जगह यूज करें, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, ठीक है, यही तो कॉन्सेप्ट है, आयरन प्रेस, कपड़े जिससे प्रेस करते हैं, ठीक है, और हमारे घरों में लगने वाला MCB, यही करता है वो भी। पहले MCB क्या होता है, MCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या करता था वो पहले, यही तो करता था। पहले क्या होता था कि हमारे घर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती थी, इसलिए स्टेबलाइजर यूज होता था। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो डिवाइस है, वो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी 220 वोल्ट पे आती है, तो हमारे डिवाइस बनाए जाते हैं 220 से 250 तक की वोल्ट को संभालने के लिए, क्लियर। लेकिन अगर मान लो किसी दिन अचानक से 300 वोल्ट आ गए, तो वो तो सर्किट तो झेल ही नहीं पाएगा, वो फूक जाएगा। इसलिए उससे पहले लगा दिया जाता था एक डिवाइस, उसके अंदर होता था एक ऐसे हुक टाइप होता था, उसमें वायर लगा हुआ होता था और उसको लगा देते थे। वो वायर इतनी हीट झेल पाता था जितनी 220 वोल्ट पे ऑपरेट बनती है, 220 और 200-250 तक जो जब पोटेंशियल जारी होगी तो हीट तो तभी बनेगी, लेकिन जितनी हीट उस टाइम बनती है वो वायर झेल लेता है। लेकिन किसी दिन ज़्यादा पोटेंशियल गया और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा हीट की वजह से पिघल जाएगा और सर्किट ब्रेक कर देगा, जैसे आगे के डिवाइस बच जाएंगे। क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसकी बार बार वायरिंग चेंज करनी पड़ती थी, इस चक्कर में आप नए तरीके आ गए, डेट इज MCB। जैसे ज़्यादा कुछ पोटेंशियल फ्लो करता है या फिर कुछ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने की दिक्कत होती है, तो अपने आप डाउन हो जाती है, फिर आप जाते हो खट 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 दोबारा उठा के आ जाते हो। सिंपल था लॉजिक, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, पक्का क्लियर है। इसमें एक पॉइंट और है क्या यार, ठीक, वो है ठीक है हीट की, अच्छा हीट और एनर्जी की, इन सबकी असाइनमेंट जूल होती है, बंधन है क्योंकि वो। इसमें एक चीज लगे कमर्शियल यूनिट यार, कमर्शियल यूनिट, ठीक है। अगर किसी को, अब देखो मैं इसके अंदर क्या नाम है, न्यूमेरिकल्स नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, तो तुम्हारे को जो भी न्यूमेरिकल्स डाल सकते हो नीचे, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है, या फिर मेरी वेबसाइट पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, या फिर मैं इसमें एक वीडियो लिंक कर दूंगा ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने कई सारे तरीके के न्यूमेरिकल्स और कैसे उनको अप्रोच करना ये समझाया हुआ है, पुरानी वीडियो है, ठीक है, तो लिंक कर दूंगा, उस पर जाकर तुम देख सकते हो कि न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच करने हैं, ठीक है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व भी करेगा उसके अंदर, तो तुमको उससे हेल्प मिलेगी। कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है, सुनो मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले कि कभी कभी हम छोटी चीज़ों पर काम करते हैं, कभी बड़ी चीज़ों पर, तो ये कमर्शियल यूनिट का मतलब बड़े लेवल पर जब मुझको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो भाई कमर्शियल यूनिट चाहिए आपको, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक, तो उसको यूनिट को नापते हैं हम किलोवाट आर में दोस्तों, किसमें नापते हैं, किलोवाट आर में, ठीक। अब अगर आपको किलोवाट आर को कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करके सिंपल सा लॉजिक, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर दो, आर को सेकंड में कर दो, तो वाट सेकंड में आ जाएगी चीजें, ठीक। तो एक किलोवाट आर को कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोवाट से 1000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट के बाद 1000 वाट होता है, और आर को सेकंड में करने के पहले मिनट में करना पड़ेगा, तो × 60, और एक बार और कर दोगे तो मिनट से सेकंड में भी आ जाएगा। जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 36 × 10^5 वाट सेकंड। अब देखो 36 को मैं लिख सकता हूँ 36.0, लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना, ये मैथमेटिक्स है, और एक पॉइंट आगे खींचोगे तो वहां पे एक पावर बढ़ जाएगी, मैथमेटिक्स है। इधर की तरफ आओगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से, तो पावर बढ़ेगी, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पावर घटेगी, ठीक। तो 3.6 × 10^6 वाट सेकेंड। अब तो बोलोगे कि भैया कि इसको 10^6 में पॉइंट में ले आया, 10^6 में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी, क्योंकि 10^6, 10^3, 10^9 ये ना स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12.5 याद आता है मुझे, 11.5, ठीक है, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का तरीका यूज मत करना, ठीक है, मैंने उस शायद उस वीडियो में करा रखा है कि नहीं करा रखा, मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ मेरी चीज़ों पर मिल जाएगा, पुराने उनमें मिल जाएगा कॉन्सेप्ट में, लेकिन हाँ ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है ये वाला क्वेश्चन। बाकी NCERT पहले NCERT खत्म करनी है, ठीक, पहले NCERT खत्म करनी है, तब जाके बाकी चीज़ों पे ट्राई करना, बाकी मेरी बुक पे भी आना है, ठीक है, मैं ये भी नहीं बोला कि मेरी बुक अभी सॉल्व करो, ठीक है, तो मेरी बुक पे भी तब आना है दोस्तों, सब कुछ बता रखा है इसके अंदर, ठीक है, मेरी बुक पे भी तब आना है जब तुम्हें चीज़ें क्या नाम है, जब तुम NCERT कर लो पहले, तो मेरी बुक में भी NCERT है, लेकिन अगर तुम्हारे पास NCERT पहले से पढ़ी है, देखो ये सारे फॉर्मूले, ठीक, ये रे फॉर्मूले, I=Q/T, V=WQ, V=IR, R=RL/A, सीरीज में डायरेक्टली प्लस कर दो, पैरेलल में 1/1 में करके प्लस कर दो, पावर ऑफ V=VI × टाइम, तो H=I²RT, क्लियर है बात, याद रहेगी ये बात, ठीक है, ये रे क्वेश्चंस, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, इनको कैसे अप्रोच करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, तो इसके अंदर तुम्हें एक सीरीज और पैरेलल कैसे पता लगाना है, तो इसको कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, थोका कॉम्बिनेशन, याद है क्यों, क्योंकि इसके अंदर दोनों है, सीरीज भी और पैरेलल भी है, तो भाई जब सीरीज भी है पैरेलल भी है तो कैसे पता लगाएंगे, सेम लॉजिक, करंट डिवाइड हो रहा है रेजिस्टर के पास जाने के लिए, तो पैरेलल,
डायरेक्ट चला गया तो सीरीज, जैसे इसमें देखो जरा है ना, इसमें देखो तो इसमें तो करंट गया ठीक है, तो दो में डिवाइड हो गया, तो ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन यहां पर जो करंट गया वो सीरीज है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों से एक बन जाएगा और फिर इसके साथ पैरेलल में डाल दो। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये वन और टू एक दूसरे के साथ सीरीज और फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा इसके साथ पैरेलल, कितना आसान है कि नहीं? चलो इसको देखते हैं, यहां से करंट जा रहा है और यहां से निकल रहा है, क्लियर? तो जब अंदर समझना जरा ध्यान से, यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट निकल रहा है, तो यहां से जब करंट गया तो यहां पे डिवाइड हो गया तीन ब्रांचेस में, ठीक। लेकिन ये और ये तो करंट डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, और यहां पर तो डिवाइड नहीं हुआ, तो ये दोनों क्या है पैरेलल, तो इन दोनों को पैरेलल ही सॉल्व करो, इन दोनों को पैरेलल ही सॉल्व करो, फिर तीनों का जो आंसर आएगा वो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों का आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो मैं बता देता हूं इसको, तीन और दो छह, दो और तीन सॉरी तीन और दो पांच, सॉरी फाइव, ये फाइव और बीच में वन है, इनको पैरेलल में डाल दो, वन अपॉन फाइव प्लस वन अपॉन में फाइव प्लस वन अपॉन में वन, आंसर निकालो इसका एलसीएम लेकर, इजी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना, ये भी सेम है, यहां से करंट गया, ये दोनों पैरेलल, फिर दोनों का आंसर सीरीज, ये दोनों सीरीज, पहले इनका आंसर निकालो फिर इसके साथ पैरेलल में डाल दो, इजी, क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन कुछ सॉल्व भी और किया, जैसे मैंने तुम्हें बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो सीरीज में वो पैरेलल रहता है, उसमें वो सेम रहता है, ये बताने का एक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एनसीईआरटी लिखा भी हुआ इसके अंदर, ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि वो वहां पे क्या बोल रहा था, ठीक है। तो अगर नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा ऑब्वियसली बात, ठीक है। बाकी यहाँ पे तुम क्वेश्चन कर सकते हो, तुम्हारे मैं जो बता रहा था कि अगर ये बैटरी बल्ब बंद कर दिया जाए तो क्या होगा, ये हो जाए, ठीक है। तो इसका अगर मैंने वैसे बना रखी इसकी वीडियो, इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर मैंने अपलोड कर दी तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी वीडियो, ठीक है, इसको समझाने वाली वीडियो, ठीक है। सेम ये वाला क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन मन करेगा तो कर सकते हो, और इसको करने का तरीका क्या है, कई बार बच्चे पूछ रहे होते हैं यार ये वाला सॉल्यूशन नहीं हो रहा उससे, ठीक है। तो इसको करने का तरीका देखो, यहाँ से करंट निकल रहा है जा रहा है और यहाँ से निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ना यार पीछे से है, यहाँ से होगा ये सॉल्व, सीरीज की वजह से क्या हो जाएगा ये दोनों का आंसर जाएगा, मान लो उसको आर ए मान लेता हूं, फिर वो जो आर ए आएगा ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, फिर आर नाइन के साथ वो क्या है पैरेलल में, तो उन दोनों का आंसर पैरेलल में निकालो, फिर वो इसके साथ क्या है सीरीज, फिर वो आंसर पैरेलल, फिर वो आंसर सीरीज, फिर वो आंसर पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, करते करते आगे आते रहोगे, सर्किट छोटा होता रहेगा, एंड में जाके जो आंसर आएगा वो 10 ओम आएगा, कितना बढ़िया है ना। अभी तो नहीं, लेकिन मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके अभी सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है, तो ड्राइव पे खुलेगा वो जाकर, लेकिन मैं डाल दूंगा, देखो याद और टाइम सब कुछ मिल गया तो पक्का इसका भी सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा, ठीक है। जो भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है टेंशन मत लो, सबके आंसर कह रह जाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन या सबसे फेमस क्वेश्चन बिल वाला, ठीक दोस्तों, ठीक है। 12.5 देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया तुम्हें, इसका तरीका क्या है, इसका तरीका भी बता देते हैं, चलो। तो इसमें देखो हैक क्या है, हैक ये है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहली बात तो टेम्परेचर की, ठीक है। दूसरी बात क्या नाम है, इसके अंदर बोला हुआ है कि पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लेंथ दे, मैंने वही बताया पहले, केवल लिखो और सब कुछ लिखो, लेंथ दे रखी है, ठीक है, तुम्हें डायमीटर दे रखा है 0.3 mm, ठीक, और तुम्हें रेजिस्टेंस भी दे रखी है 26 ओम, ठीक है, लेंथ 1 मीटर दे रखी होगी, ठीक। तुम्हें निकालनी है रेजिस्टिविटी, निकालने का पीछे टेबल से मैच करनी है, पीछे टेबल तो है नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन वो टेबल याद नहीं करना, उसमें भी लिखा हुआ कि याद नहीं करना आपको, मैंने लिखा भी हुआ है, मेमोराइज नहीं करना, ठीक। तो अब समझो जरा ध्यान से, ठीक, तो अब तुम्हें ये निकालना है। अब देखो मैं एनसीईआरटी का तरीका निकालने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, यूज करने के लिए मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या करा, पहले आंसर निकाला, फिर उसके बाद कन्वर्जन करिए, फिर ये करा, फिर वो करा, ऐसा कुछ नहीं करना है तुम्हें भाई, तुम सीधा इसको कन्वर्ट करो, ठीक है, 0.3 mm को मीटर में, क्योंकि देखो जब तुम पीछे मैच करोगे ना टेबल से तो मीटर में देखिए वैल्यू सारी, और तुम्हें नॉर्मली मीटर में निकालनी होती है चीजें, इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक।
अब मैं तुम्हें एक काम करके दिखाता हूँ, मैं तुम्हें मीटर में कन्वर्ट करना सिखा देता हूँ, ठीक है? तो देखो देखो, अच्छी बात यह है कि तुम्हें यह याद होना चाहिए, एक मीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर, क्लियर? ये तो मैथमेटिक्स में भी लगा सकते हो तरीका, जब कन्वर्जन यूनिट समझ ना आए तो सुनो कहाँ पे मल्टीप्लाई करना, कहाँ पे डिवाइड करना, वगैरह वगैरह। तो अगर एक चीज देखोगे तो ध्यान से ये समझ में आया, ठीक? अगर मैं ये कर दूं कि दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दूं, तो ये एक मीटर इज इक्वल टू में एक सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, ये होगी इक्वेशन वन। तुम्हें एक और चीज पता है, समझो, एक सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर, है ना? ये होगी इक्वेशन नंबर टू। अब ध्यान से अगर देखोगे तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो एलएचएस बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के, है ना? और वैसे ही जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 मीटर, समझ आ गया ना क्या बोला? उल्टा तो नहीं कर दिया, ठीक है? अच्छा, मुझे मिलीमीटर चाहिए, कर तो सही है लेकिन मुझे मिलीमीटर की वैल्यू चाहिए ना, मैं इसको क्यों निकाल रहा हूं? सुनो, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिलीमीटर इसको डिवाइड में भेज दो, 1/1000 मीटर के बराबर होता है। आपको कितना निकालना है, 0.3, तो दोनों तरफ 0.3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.3 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 0.3/1000 मीटर के, समझ में आ गया? और तुम्हें ये क्या नाम है, अब देखो ये तो समझ आ गया, 0.3 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.3/1000 मीटर, तो यहाँ पे कर दो, समझो इसको जरा ध्यान से अब, ठीक है? तो लेंथ थ्योरी, ठीक है, रेजिस्टेंस थ्योरी, लेंथ थ्योरी, रेजिस्टेंस थ्योरी, ठीक है, ये है डायमीटर, तो डायमीटर 0.3 mm है, ठीक है? ये मीटर में कितना देगा, तो 0.3/1000 मीटर, लेकिन रेडियस निकालना है ना तुम्हें, तो अपॉन में टू और करो, फिर वो पलट जाएगा मतलब, तो 2000 हो जाएगा दोस्तों, और ये मीटर में आ गई वैल्यू। अब डाल दो, कैलकुलेशन थोड़ी है लंबी इसके अंदर, ये मैं मानता हूँ, कैलकुलेशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? यही क्वेश्चन के अंदर दिक्कत है बस, बहुत इजी क्वेश्चन है वरना ये, ठीक है? इसी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है? लेकिन इसी का छोटा भाई है, छोटा भाई क्यों बोलते हैं, बोलता हूँ मैं इसको क्वेश्चन को, -8 है सॉरी, ठीक है? इसको छोटा भाई क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उसे भी ज्यादा आसान है। देखो टीचर ना अगर इजी पेपर बनाना चाहता है तो सीधा एरिया दे देगा, R इज टू रो एल बाई ए फॉर्मूले में, ठीक है? R इज टू रो एल बाई ए वाले में ए क्या, सीधा एरिया दे देगा। क्वेश्चन अगर वो मुश्किल बनाना चाहता है ना, क्वेश्चन अगर वो मुश्किल बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा भाई, वो ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि जिसमें यूनिट भी चेंज कर देगा, ये भी चेंज कर देगा, वो भी चेंज कर देगा, समझ में आया? और अगर भाई टीचर बेवकूफ है, टीचर बेवकूफ नहीं होता वैसे, लेकिन अगर उसको क्वेश्चन मतलब समझ ही नहीं आई कुछ भी दे रहा है वो, तो भैया वो सब कुछ सारी वैल्यू डायरेक्ट देगा, ठीक है? रेजिस्टेंस भी दे देगा और ये भी दे देगा और वो भी दे देगा, और डायरेक्ट आंसर पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं लेकिन नॉर्मली, ठीक? क्योंकि कैलकुलेशन तो ज्यादा नहीं कराते, ये तो सबको पता है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही छुड़वा दे चीजें, ठीक है? पूरे पेपर में से न्यूमेरिकल्स जो आने वाले हैं लगभग लगभग 11% के आएंगे, ठीक? तो लगभग लगभग 8 से 9 नंबर हो जाते हैं वो। तो भाई मैं पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले थियोरी पार्ट पर फोकस करो, तब जाके न्यूमेरिकल्स पे आना, जब थियोरी पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तब न्यूमेरिकल्स, सारे चैप्टर्स का थियोरी पार्ट कंप्लीट हो जाए तब जाके इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे आना, उसमें भी पहले लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि टिपिकली कंपैरेटिवली इजी है, ठीक? करोगे सारा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें एक तरीके के क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है? ये भी तुम्हें कर लोगे, ठीक है? मैं तुम्हें अभी एक तरीके के क्वेश्चन बताने वाला हूँ यार, दैट इज बिल वाले क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है? बिल वाले क्वेश्चन, अच्छा ये वाले क्वेश्चन भी देख लो यार, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है? तुम्हारे को वी और आई का ग्राफ दे दिया और मतलब पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस किस में जाता है, या ये बहुत ज्यादा बच्चे को कंफ्यूजन है, तो इसको मैं अपने उस पेज पे ले चलता हूँ, तब तुम्हें समझ आएगा। तो सुनो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या है तरीका, तो सुनो, देखो यार जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पूरी PDF डाल दूंगा मैं, ठीक? वो भी मिल जाएगा तुम्हें लिंक टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? लेकिन पूरा जो लिंक होगा, पूरी जो PDF बनी है, ये तुम्हारे को टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, ठीक है? आगे सुनो, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ बना रखा उसने VI, ठीक है? और दो बना दिए, दो क्या तीन भी बना सकता है वो, और वो पूछ रहा है ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो बताओ रेजिस्टेंस किसके अंदर कम और किसकी ज्यादा है। सर मैं MCQ बना देगा, बोलेगा कि R1 ज्यादा है, R2 ज्यादा है, R3 ज्यादा है, ठीक है? या उल्टा कर देगा, कुछ भी करे वो, हमें उससे मतलब नहीं है।
लेकिन अभी हमें मतलब है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो सिंपल सा तरीका है इनको करने का, बहुत ही आसान तरीका, पता है क्या, तुम्हें भाई कुछ नहीं करना, तुम्हें काम करो जो एक्स एक्सिस पर चीज है ना उसके अकॉर्डिंग एक सीधा लाइन खींच दो। क्लियर? मान लो ये जो आई की वैल्यू, मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 एम्पेयर है, तो यार अगर तुम ध्यान से समझोगे मेरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूं कि 5 एम्पेयर पे अलग अलग पोटेंशियल देनी पड़ रही है, कितना सरल है, सुनो। इसको मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 वोल्ट देना पड़ रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको 2 वोल्ट देना पड़ रहा है, और मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको 3 वोल्ट देना पड़ रहा है, हो गया ना इजी। जो एक्स एक्सिस है उसको कॉमन कर दो, ठीक, उसको कॉमन कर दिया। अब इसको देखो भाई, ये 3 वोल्ट दे रहा है तब जाके 5 एम्पेयर करंट बन रहा है, और ये 1 वोल्ट पे ही वो कर दे रहा है, तो जो ये 1 वोल्ट पे काम कर रहा है 3 वोल्ट पे कर रहा है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, सबसे कम हो गई, है ना, और इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई, सबसे ज्यादा हो गई। ठीक, तो भाई रेजिस्टेंस R1 की सबसे ज्यादा है, R2 की उससे कम है, और R3 की सबसे कम है। अब बताओ कैसे होगा। अब तुम बोलोगे भैया याद कर लो, ऐसी हर बार होगा, नहीं, कभी कभी वो यही चेंज कर देगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, वैसे मैंने सही करा ना, ठीक है, बाकी क्रॉस देख लेना, लेकिन तरीका ही है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को कॉमन मान लो, और वही चीज समझ लो कि भाई 1 वोल्ट पर अगर ये 5 एम्पीयर का करंट दे सकता है, तो ये 3 वोल्ट पे 5 एम्पीयर का करंट दे रहा है ना, इसको रुकावट ज्यादा पैदा कर रहा है ना, तो रुकावट पैदा कर रहा है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसकी है। कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे आई कर देता है, तो उल्टा हो जाए, ये जो एरो है बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट तो कम है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा यार। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, वापिस आते हैं वापिस। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, इसके अंदर MCQs हैं, देखो मेरे बुक में होंगे MCQ, ये रहा। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा, देखो ये रहा, है ना, ये करा हुआ ना, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वो है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके के ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो इसमें से आते हैं, इस टॉपिक में से जो आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, वो ये है कि यार एक बात बताओ, मतलब चलो मैं पहले टॉपिक्स ले लेता हूँ सारे। ठीक है, तो देखो एक तरीके के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल सीधा सीधा, फॉर्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड सीधा। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, एक न्यूमेरिकल आता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल आना बहुत बहुत ईजी है, बहुत आसान है। एक तो होगा सीधा फॉर्मूला बेस्ड, R इज इक्वल टू रो एल वाई वाला, क्लियर है, एक तो ये होगा। एक होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज और पैरेलल। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन होता है कि आपको अलग अलग तरीके के रजिस्टर दे दिए गए, तो बताओ इनसे इतनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी। तो मान लो बोल दिया जाए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 6 6 6 ओम के 3 रजिस्टर है आपके पास, लेकिन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है 9 ओम की, कैसे निकालोगे, तो तीनों को पैरेलल में लगाओ, तीनों को सीरीज में, हिट एंड ट्रायल मेथड बता रखा तुम्हें, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, तीनों को पैरेलल में डाल के देखो, तीनों को सीरीज में डाल के देखो, सीरीज में डालोगे तो 18 आएगा, नहीं हो रहा, तीनों को पैरेलल में डाल के देखो, 1/6 + 1/6 + 1/6 है ना, ऊपर आएगा 3/6, उल्टा करोगे तो 2, नहीं हो रहा, तो 2 को सीरीज में डालो, 1 को ओम के आंसर को पैरेलल में डालो, फिर नहीं होगा तो उल्टा कर देना, पहले पैरेलल में डालो, जो आंसर आएगा उसको सीरीज में डाल दो, हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारे को लॉजिक करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 1/6 और 1/6 को क्या करो, एलसीएम कितना आएगा, 2/6। ठीक है, तो 3 आ गया टोटल, मतलब उल्टा करके भी आंसर 3 आ गया। ठीक, एक बचा हुआ है उसको पैरेलल में डाल दो, कितना हो गया, 9 ओम हो गया, आ गया आंसर। तो एक तरीके का क्वेश्चन ये वाला है दोस्तों। ठीक, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे आ जाओ। अब उसके बाद आती है क्वेश्चन की, बिल वाले क्वेश्चन आजकल फेवरेट बने हुए भाई। ठीक है, बिल वाले क्वेश्चन जब करते हैं तो क्या बोलते हैं हम, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस मल्टीप्लाई चलता रहता है। तो मैं एग्जांपल के समझाता हूँ। ठीक, तो सुनो, मान लो फॉर एग्जांपल 3 बल्ब है, ठीक, 2 फैन है, 1 AC है, ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ऐसी 3 बल्ब है, हर एक बल्ब 2 वोल्ट बैटरी खींचता है, ठीक है, 10 घंटे के लिए चलता है, 2 फैन है, हर एक फैन, दो 20 ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारा को मजा आएगा। ठीक है, ये 50 वोल्ट की बिजली खींचता है और 6 घंटे के लिए चलता है, 1 AC है, ठीक, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 200 वोल्ट खींचता है और ये 2 घंटे के लिए चलता है, तो बताओ ये घर का बिल कितना आएगा। ठीक है, तो देखो जब तुम इसका आंसर निकालोगे ना यार, तो ये वाट आर में आएगा। ठीक है, तो वाट आर तो आर है, आर को कोई दिक्कत टच नहीं करना, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर देना। कैसे करोगे,
1000 वाला, ठीक है, तो अभी किलोवाट से वाट में आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करा था, तो वाट से किलोवाट में जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना, तो जो आंसर जो तुम्हारा आएगा ना वो आएगा किलोवाट आर में। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, देखिए किलोवाट आर में, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लो, 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा होता है वो यूनिट में पूछा होता है, और वो एंड में मान लो बोल दे कि पर यूनिट कुछ भी रुपए, मान लो 3.5 रुपए, 3.50 रुपए, कितने रुपए बिल आएगा, ठीक है। तो पहले सारा आंसर निकालो किलोवाट में कन्वर्ट करके, उसको उतना ही जितना किलोवाट उतना ही यूनिट, 10 kWh तो 10 यूनिट, 50 kWh तो 50 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब 3.5 रुपए, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। ये तो करना है, समझ में आ गया। तो सुनो अब देखो, एक का निकालो पहले, तो एक अगर चलता है तो कितना यूज होता। अच्छा, एक चीज और, उसने बोला मान लो फॉर एग्जाम्पल जो मंथ है वो कुछ भी बोल दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी जैन है, जैन चल रहा है, जैन, क्लियर है बात, तो ये भी बोल दिया उसे। अच्छा सुनो, अब हर दिन का निकालते हैं, पहले एक बल्ब का निकालते हैं, एक बल्ब 20 × 10 पावर, अभी पावर क्या होता है, वी इंटू आई ना, ठीक है, तो अच्छा 220 वोल्ट पे भी लिख सकता है वो, ठीक है, तो पावर इंटू टाइम एनर्जी हो गया, तो पावर इंटू टाइम इज एनर्जी, हीट एनर्जी जो चाहिए, तो एनर्जी आ गई। 3 बल्ब है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 फैन है, ठीक है, तो जो मैं नया लिख रहा हूं मैं उसको काम करता हूं, दूसरा पेन यूज करते हैं, ठीक है। तो सुनो, ठीक है, तो जितना भी आएगा मान लो फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो इनको सॉल्व करके x आया एक दिन का, तो 3 × x, मान लो यहां पे y आया तो 2 × y, और मान लो यहां पे z आया तो 1 × z, क्लियर, जो भी आएगा फिर इनको प्लस कर दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यह आ गया एक दिन का, यह आया एक दिन का, पहले आपने 2 बल्ब का, पहले एक का निकाला, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 3 बल्ब का निकाला, फिर एक फैन का निकाला, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 फैन का निकाला, फिर क्या नाम है, एक एसी का निकाला और एक ही एसी है, क्लियर, एक एक दिन का आ गया सबका, सबको प्लस कर दोगे तो सबका मिलकर एक दिन का आ जाएगा, लेकिन जनवरी का मंथ है तो 31 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई और मंथ होता तो उसी हिसाब से देखते, ठीक है, सॉरी फैब चल रहा है, 29 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 से जो भी है, ठीक है, 31 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जितना बिल जितना उसने कंज्यूम करा तो ये आ गया तुम्हारे पास किलोवाट आर में, उसको यूनिट्स में कन्वर्ट करो और फिर जाके इस रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास टोटल बिल आ जाएगा। बहुत आसान है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा भाई, टेंशन मत लो, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इस पे, ठीक। और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर आते हैं वो जो थोड़े से टिपिकल वाले क्वेश्चन है यार, ठीक है, तो टिपिकल वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो जो मैंने अभी जैसे दिखाए थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी यार, एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले एग्जांपल, तो पहले एनसीईआरटी एग्जांपल, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल फर्स्ट प्रायोरिटी, तब जाके सेकंड प्रायोरिटी पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिर इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारी चीजें तब जाके इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और फिर उससे पहले मैंने बोला ना न्यूमेरिकल से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, थियरी पार्ट, थियरी के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है, थियरी पार्ट के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे नहीं इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे कि कॉपर वायर को क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्यों यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर क्वेश्चन बना देगा, फ्रॉड के ऊपर बना देगा, तो थियरी वाले क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, जो क्या नाम है न्यूमेरिकल वाला पेज एंड टेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टेक्स्ट क्वेश्चन के पिछले पेज पे जितने भी क्वेश्चन हैं ज्यादातर वो थियरी वाले, तो उन पर भी फोकस करना पड़ेगा, पक्का क्लियर है। एक क्वेश्चन और है, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, मैंने एरो डाला हुआ है, ठीक है, तो एक तरीका एक क्वेश्चन और है, और वो है क्या नाम है, रेशियोज, रेशियो का मतलब होता है कि अगर मैं एरिया को इतना बढ़ा दूं, लेंथ को इतना बढ़ा दूं, तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, एरिया को इतना बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, याद आए, तो ये क्वेश्चन भी है, चलो क्वेश्चन पक्का मैंने उस वीडियो में करा रखे होंगे, तुम देख लेना, ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक, तो वो क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसमें वाला फॉर्मूला यूज होता है, इसको अगर डायरेक्टली देखा जाए तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, ठीक है, तो और अगर तुम इसको फिल्टर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एरिया का मतलब तो पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर में यार पाई जो है तो वो तो क्या है, क्या नाम, कॉन्स्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट इस बात में होता है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज रेडियस इस चैप्टर में, ठीक है, तो ये अब अगर मान लो वो बोल दे कि लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गई, रेडियस को डबल कर दिया तो पहले तो 4 गुना होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर,
और फिर वो अपॉन में है तो चार गुना घट जाएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, और उसके बाद अगर दोनों को एक साथ कर दिया जाए तो दोनों को सॉल्व करो फिर। ठीक, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो वो बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम की है, ठीक, जिसकी एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसका एरिया ए है, ठीक है, चलो रेडियस रेडियस लगा लेते हैं उसका, फिर उसका रेडियस आर है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब ये बताओ कि नई रेजिस्टेंस क्या होगी, नई रेजिस्टेंस को आर डैश मान लिया, उसे क्वेश्चन बनाया है, मैं साथ साथ लिखते भी जा रहा हूँ, ये जो गिवन पार्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग मैं लिखता जा रहा हूँ, ये लिखा नहीं होता, ठीक है। तो बताओ क्या होगी अगर लेंथ डबल हो जाए और जो रेडियस है वो हाफ हो जाए, तो जो नई लेंथ है वो पिछले वाले की डबल है, देख लो रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और जो नई रेजिस्टेंस है उसको आर डैश मान लेते हैं, वो पिछले वाले की, पिछले वाली आर है, अपॉन में 2 है, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? क्लियर? अच्छा, ये अगर होता तो फॉर्मूला बनता आर इज इक्वल रो एल बाय ए, तो रो एल बाय ए, ठीक है, ए को अगर करते तो पाई आर स्क्वायर, आर 4 है क्योंकि ये सब एल एल है, पाई पाई है, आर आर स्क्वायर है, तो ये रहा। वैसे यहां पे करो अगर इसको देखा जाए तो आर डैश रो चेंज नहीं होता क्योंकि वायर को खींचो बांधो कुछ भी करो, वायर तो कॉपर का है तो कॉपर का ही रहेगा, ठीक है, एल डैश अपॉन में पाई आर डैश का होल स्क्वायर है ना। लेकिन एल की वैल्यू कितनी डाल रखी है दोस्तों, तो सुनो, रो की रो इसकी 2L, इसकी वैल्यू पाई की पाई, और आर सॉरी आर डैश का मतलब क्या, आर डैश का मतलब है आर बाय 2, ठीक है, तो आर बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व करते हैं इसको, तो आर डैश आ गया रो इंटू में 2L अपॉन में पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, यही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके जो कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई रो इंटू में 2L अपॉन में पाई आर स्क्वायर इंटू में 4 ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, ठीक, तो आर डैश हो गया दोस्तों 4 × 2 = 8 रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। आप तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पाई आर स्क्वायर और रो एल बाय पाई आर स्क्वायर तो सेम है, इसके लिए तो 4 है तो डाल दो 4, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आर डैश इज इक्वल टू में 8 इंटू में इनकी वैल्यू 4 है तो ये हो गया 32 ओम, नया रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर? ऐसे करने सारे क्वेश्चन, ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चन, ऐसे ही होने हैं, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस किसी वायर की 4 ओम है, अगर उसकी लेंथ एल है, रेजिस्टेंस रेडियस आर है, तो और उसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो अगर मैं उसकी लेंथ को डबल कर दूं और रेडियस को हाफ कर दूं, ये कुछ भी कर सकता है चेंज, तो तुमको यही कैलकुलेशन करनी है, वहां पे जाके इसकी वैल्यू उठा डाल देनी है, ठीक है, तो ये होगा। अब ये क्या करा है, तो पूरा जो नई रेजिस्टेंस है पिछले वाले की दुगनी है, तो पिछले वाली तो एल थी तो 2L हो गई, रेडियस आर था तो आर बाय 2 हो गया, तो ये वैल्यू यहां से निकाली है, फिर ये था फॉर्मूला मेरा, ठीक, फिर एल डैश की वैल्यू तो मेरे को पता है डाल दी, आर डैश की वैल्यू मुझे पता है डाल दी, सॉल्व कर दिया, फिर सब कुछ रो एल डैश में कुछ नहीं रहा, सिर्फ आर डैश मेरा है, ठीक है, सब कुछ पुराना है, और सब कुछ पुराना है तो इसका मतलब यहां से उठा के वैल्यू डाल दी 4, आ गया आंसर। क्लियर है बात? समझ में आ गया? ये रहे तुम्हारे पास बाकी चीजें, ठीक है, ये क्वेश्चंस तुम्हें करने होंगे यार, ठीक है, पीवाई क्यू सॉल्व करने हैं तो ये भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी एक चीज़ याद रखना यार, इस क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम थोड़ा सा गलत है, ठीक है, इसमें ये रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, अब हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन तो क्या होगा, ये प्लस ये सीरीज है तो 3+R हो गया, और ये जो है वो 1, अब इस देखो अब ये 3+R था, अब ये आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आर में आएगा, फिर ये पूरा का पूरा आंसर इसके साथ सीरीज में डायरेक्ट प्लस कर दो, क्लियर, और इक्विवेलेंट है आर, तो आर के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट 69। क्लियर दोस्तों? ये है पूरे क्वेश्चंस, ठीक है, अगर तुम्हें पीवाई की सॉल्व करने का मन करेगा तो ये रहा। क्लियर है? ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक 2010 तक के एमसीक्यू और पीवाई क्यूज डाले हुए, या कुछ भी फॉर्मूले चाहिए, कुछ भी कॉन्सेप्ट चाहिए, वो सारा यहीं का, यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या आना है, इस चैप्टर में से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो ये रहे, बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल्ड वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है, जो इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन है, साथ साथ में बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट जो जो मैंने चीज़ें बोली है, वेबसाइट का लिंक होगा सबसे पहले, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, चलो दोस्तों, बाकी तो पढ़ो इस वीडियो को, मैं ख़त्म करो इसको, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बना दो, तो देखते हैं जितने जितने चैप्टर्स बनते जाएंगे उतने बनाते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे की तो हो ही गई होगी,
ठीक है, लेकिन करते हैं मेहनत। ठीक है दोस्तों, के सब भेज देना सब। ठीक है, बाय बाय।